हटो हटो वही करा रहा हूँ इसमें देखने में एक सेकंड ये वो क्या हो गया फोटो हो गई भाई एक मिनट अरे इसका हो गया हट जाओ इनको हट जाओ नहीं मेरे पास बारिश और क्या बेचना है भाई ये टेबल यहां करा दो जूम स्पॉट देखो देखो करो जूम पीछे लगा जूम लेना भाई रियाज भाई आइए अरे फैन दो यहां पे कोई चलिए हो गया थैंक यू थैंक यू केक खिलाते हुए शॉट अरे खिलाइए एक ऐसा खाइए 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 यस एक फोटो दे अच्छे से ग्रुप फोटो आइए सर जी सर आइए चलो डायरेक्टर साहब आ गए छुट्टी लगा देखो चल के रोशनी उसके पास में आई बुलबुल के जो चीज कम हो उसे खड़ी रहे पे नहीं तो हम वो हाल आप सब लोग यहाँ हैं तो शाहरुख जी और वो रोशनी का है चार्ज टॉली फास्ट हम लोग यहाँ आ चुके हैं सब तैयार है तुम कहाँ है कहाँ हो हाँ रोशनी बाहर आ जाओ हम लोग तैयार है विशेष नहीं आऊं की मतलब क्या होता है विशेष पांडे तुमसे शादी अब ये क्या नया नाटक है उसकी इसे प्यार कहते हैं नाटक नहीं मेरे होने वाले भोले सजन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और सुनो थोड़ी ज्यादा वेट मत करो ना मुझे पूरा मोशन अरे करण भाई आ जाओ साथ में आ जाओ कोई दिक्कत नहीं सामने देखिए किसकी का दिया लड़ाकू नंबर वन अगेन 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 यस ये तो है रोशनी लेफ्ट बैलेंस बस एक्शन सिर्फ एक मिनट यार सिर्फ बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा रुक तो जाओ हमारे सारे पेपर्स रेडी है हमारा काम इस बार पक्का है क्योंकि जब इन लोगों को हम बाहर निकाले तो इस शहर में उनके सर पे कुछ छत नहीं है एक्शन रोशनी आपको यस जाफर तू गया हाँ मैं गया मार रहा नहीं 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 शादी हो रही है रहने दो बंदिया बंदूक के नाते शादी हो रही है मैम या क्या रोशनी चलती है
यहाँ पे क्या महंगा वेल डन, तुमने तो आज हमारा बिल जीता, तुमने जो काम किया है ना उसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे, लेकिन तुम्हें बता दो तुम्हें क्या चाहिए, जो तोहफा मांगोगे मिल जाएगा कैसे? कि तुम्हें बंधु का घर जहाँ उसकी उसकी बेटी और लगते दादी दादी लेफ्ट तुम्हारा ये मौका तो मिलेगा नहीं, तो ये आखिरी बार जब तुम दोनों एक रोल एक दिन ऐसे ही बैठ के आपने हमें प्रपोज किया था, चलिए पीछे का ये क्या नहीं देखना वीडियो भी है, वीडियो भी है सेम सबसे पहले तो जनवरी में एक मुहिम चली कि ऐसी एक कहानी बनेगी जिसका नाम है रंजू की बेटियां, तो ये इस सफ़र पर हम निकल पड़े दंगल टीवी के साथ रश्मि शर्मा और हम सब यूनिट मेंबर्स चल पड़े और एक खूबसूरत कहानी परोई गई, उसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, हमने बहुत कुछ देखा इस कहानी में, इस कैरेक्टर को बढ़ते हुए देखा, गिरते हुए देखा, वापस बढ़ते हुए देखा, लोगों की प्रशंसा देखी, लोगों का प्यार देखा, आप लोगों की मोहब्बत देखी और आज हम इस मुकाम पर आ गए हैं जहां हम लोग ने 200 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं। ये आज के दौर में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि मजॉरिटी ऑफ शोज़ ऑफ एयर बहुत जल्दी हो जाते हैं और इस कामयाबी का श्रेय मैं हमारे पूरे टीम को दूंगा, दंगल टीवी को, हमारे जो क्रिएटिव्स हैं रश्मि जी को दूंगा, उनकी पूरे प्रोडक्शन टीम को दूंगा, एंड ऑफ कोर्स माय होल यूनिट, व्हाट अ फैबुलस जॉब दे हैव डन। बड़ी खुशी हो रही है, ये 200 एपिसोड्स कंप्लीट हुई हैं और मैं दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमारे शो को सहारा दिया, उसको उसकी प्रशंसा की, आप लोगों की वजह से आज हम ये 200 एपिसोड सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आई विश यू ऑल आल्सो। हाय हाय एवरीवन, ये ललिता है, दीक्षिका ऐसी नहीं है, देखो अगर ललिता ऐसा नहीं करेगी तो 200 एपिसोड कहाँ से पहुँचते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरी टीम को, डायरेक्शन, कैमरा, एक्टर, सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आप सबको भी, कि रंजू की बेटियों ने 200 एपिसोड कंप्लीट किए आज, एंड ये सब आप लोग का प्यार ही है, सबकी मेहनत है, एंड इट इज़ ऑल द टीम वर्क। सो एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस शो बिकॉज ललिता इज़ ललिता, कांडी करने में वो पीछे नहीं हटती, बट ललिता गलत नहीं, जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि उसकी लाइफ का फोकस एक ही है, मेरे बच्चे और मेरा पति। वो अच्छी खासी अपने पति शोना बाबू के साथ रह रही थी, रंजू अपनी बेटियों के साथ शहर में आ गई और हमारे पति जो गुड्डू जी है उनका ध्यान उन पर चला गया, तो फिर वही है ना, मेरे पति के साथ गुल्लू गुल्लू करेगी तो मैं कैसे छोड़ूंगी, बस उसको साम दाम दंड भेद करके वो कुछ ना कुछ चाल करती रहती है एंड ऑडियंस को बिजी रखती है, तो ऐसे करते करते आज 200 एपिसोड हो गए, सो वी ऑल डिजर्व द क्लैप एंड यस, हमने केक काटा है सेट पे, वो तो मैं मस्ती करती रहती हूँ। तो यही है ललिता की चाल, कभी रोशनी, कभी बंटी, कभी ये, कभी वो,
तो ऐसे हम चाहते हैं कि बस ये नंबर वन शो है और नंबर वन रहे और हमेशा ऐसे चलता रहे सिलसिला। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं तो मिड सीरियल से आई हूँ, 3 मंथ पहले मेरी एंट्री हुई है। मैं इस रंजू की बेटी, मैं रोशनी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। रोशनी एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ऐसा नेगेटिव प्ले करने में। रोशनी वो एंट्री हुई है रोशनी की, जो इस शो के सबसे क्यूट कपल विशेष एंड शालू, उन दोनों के बीच में गलतफहमी क्रिएट कर रही है, वो है रोशनी। रोशनी ने आज 2 एपिसोड पूरा हुआ और आज रोशनी अपना रिवीलिंग सीन शूट कर रही है और रोशनी ने अपने गन की ताकत पे पूरे लोगों को हिला रखा है, धूम मचा रखा है। एक्चुअली वो रोशनी साइको वे में आ गई है कि उसको विशेष से शादी करनी है। तो बहुत मज़ा आ रहा है और मैं चाहूँगी कि आगे मुझे ऐसे कैरेक्टर प्ले, चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए। एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं रश्मि शर्मा और दंगल टीवी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने लकी मिश्रा का कैरेक्टर में मुझे कास्ट किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि क्योंकि मैंने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि शो का नाम है रंजू की बेटियाँ, तो मुझे लगा था कि शायद इतना कुछ होगा नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी द वे ऑडियंस मेरा कैरेक्टर पसंद आ रहा है, लोग मुझे लकी मिश्रा के किरदार को पसंद कर रहे हैं। सो एंड मैं दिल से सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज हमने 2 एपिसोड पूरे कंप्लीट कर लिए। मैंने आज तक ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने जो भी शो किया है वो 300 एपिसोड के पार हुआ ही है। सो आई एम होपिंग कि ये भी पार होगा। मैं पूरी यूनिट, हमारे जो डायरेक्टर है, क्रिएटिव, उन सबको भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। आज उनकी वजह से ही है हमारा ये जो रंजू की बेटा शो है वो 2 एपिसोड पार कर पा रहा है, और भगवान करे आगे और भी। फिलहाल तो रंजू की बेटिया में बहुत कुछ हो रहा है, मतलब देखा जाए तो ड्रामा लेवल यहाँ है इस वक्त शो का। एंड ऑफ कोर्स 200 एपिसोड हमने कंप्लीट किए हैं, तो उस चीज़ की एक एक्साइटमेंट भी है, यू नो, जनरली हवा में, बिकॉज आजकल 3-3 महीने में शो बंद हो रहे हैं, तो यू नो व्हेन यू कंप्लीट 200 एपिसोड्स तो ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तो आ ही जाता है। सो ड्रामा वाइज देखा जाए तो मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, बट हाँ, बहुत सारे लोग गन पॉइंट पे हैं और बहुत सारे लोग मार खाने वाले हैं, इतना मैं बोल सकती हूँ। ये बहुत खुशी का दिन है, स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पे शोज़ 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलते हैं। 200 एपिसोड कंप्लीट करना, इट्स बिग थिंग फॉर अस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड और भी ज़्यादा 200 और के बाद आप लोग फिर से हमसे ये इंटरव्यू करें, आई एम वेटिंग फॉर दैट।